नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सफल हुआ एलन मस्क का दौरा, चीन ने टेस्ला की कारों से हटाया प्रतिबंध। 37 वर्ष के हुए हिटमैन सिक्सर किंग रोहित शर्मा अपनी उम्र से 16 गुना लगाई छक्के, इंटरनेशनल रिकॉर्ड में दर्ज है नाम। कर्नाटक का हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना पार्टी से सस्पेंड। बीजेपी को सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को बदनाम करने में महारत, मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क। SC/ST आरक्षण पर तलवार लटका रही कांग्रेस, पीएम मोदी। राहुल गांधी और राजनीति दोनों विपरीत, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कश्मीर में बारिश से भारी तबाही, स्कूल कॉलेज बंद। बंगाल के कई बीजेपी नेताओं को MHA ने दी सुरक्षा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने भरा नामांकन पत्र, केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता हरदीप पुरी भी रहे उपस्थित। राहुल प्रियंका नहीं लड़ेंगे चुनाव, इस पर अमित शाह ने किया कटाक्ष, राहुल परंपरागत सीट छोड़कर भाग रहे हैं। IPL में आज LSG वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला, 7:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। साउथ अमेरिका के पेरू में 650 फीट नीचे खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत। दिल्ली, मरम्मत कार्य को लेकर 20 दिनों तक बंद रहेगा नारायण फ्लाईओवर। मणिपुर, 6 पोलिंग बूथ पर आज फिर होगा मतदान, 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद चुनाव को शून्य घोषित किया गया। इजरायली हमले में 40 लोगों की मौत। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2024, रिजल्ट घोषित, 89% छात्र हुए सफल, 10वीं में प्रियांशी रावत और 12वीं में पीयूष बने टॉपर। पीड़िताएं जिप्सी में बैठ गई, पुलिसकर्मी भीड़ को देखकर चले गए। मणिपुर में महिलाओं को न्यूड घुमाने के मामले में CBI की चार्जशीट। नरसंहार की कगार पर खड़ा है सूडान, अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा पैदा हो रहा है संकट। दुष्कर्म पीड़िता को दी धमकी, केस वापस लेने सरपंच सहित आया आरोपी का परिवार, थाने पहुंची शिकायत। IPL प्लेऑफ के करीब पहुंची KKR, इन टीमों पर अभी भी संकट के बादल। AP एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहिए KP News & Post 7। धन्यवाद।